ओके तो बहुत सारी यूट्यूबर की वीडियोज में देखा और सुना होगा कि ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नहीं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको चिकन डिनर लेके दिखाऊंगा, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके। बट उससे पहले उन सबको दिल से शुक्रिया जिन्होंने वीडियो को टच करते लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया। लेट्स गो। अब देखो सीन ये होता कि मैं यहाँ पे अपार्टमेंट के रूम पे जा रहा था और मेरा टीममेट बोलता कि जो बगल वाला अपार्टमेंट है यहाँ पे एक एनिमी उसको कब से परेशान कर रहा है। तो मैंने सोचा अगर मैं उस अपार्टमेंट में सीढ़ियों से जाऊँगा तो भाई वो बंदा मेरे को मार देगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से रोम ब्लास्टर को यूज किया एंड तीन फायर कर दिया, दो कर दिया एंड यहाँ पे तीसरा कर दिया। तो मेरा टीममेट यहाँ पे हंसता कि भाई ये ट्रिक नहीं होती, आगे उसका रिएक्शन भी देखना। तो मैंने इस तरीके से क्या किया, अपने स्नोबोर्ड को यूज किया एंड आगे की तरफ जाके इस तरीके से यहाँ पे जाके जंप कर दिया एंड यहाँ पे देखो भाई मैं पूरा का पूरा आसमान में और जो भी एनिमी जाता है यहाँ पे इजी पीजी उस बंदे को मैंने किल कर दिया। साथ ही साथ मेरे टीममेट का रिएक्शन भी देख लिया होगा, लाइव गेम प्ले मैंने इस बंदे को मारा। अगर आप भी इस तरीके से उस वाले अपार्टमेंट पे भी जाना चाहते हो ना तो भी जा सकते हो। ये वाली ट्रिक कैसे लगी कमेंट में जरूर से बताना, तो बता देना यार। ये वाली ट्रिक हर एक यूट्यूबर इवन यहाँ पे जोनाथन गेमिंग भी यूज करता है। अब मैं रेंडियर लेके यहाँ पे आता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे एनिमीज का फुट स्टेप आता था मेरे को यहाँ से घरों के अंदर से। पहले तो मुझे दिखा नहीं लेकिन बाद में पता चला कि भाई यहाँ पे एक बंदा कैंपिंग करके बैठा, वो तो गंदी वाली, वो भी नीचे की साइड। अब मैं नीचे जाऊँगा तो भाई वो बंदा मार देगा क्योंकि इसके पास एडवांटेज है। अब लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ग्रेनेड को मतलब कुक किया, मैंने गन फायर करके भी डराने की कोशिश की बाहर आ जाए, पर यह बंदा नाम ही नहीं ले रहा बाहर आने का। लेकिन यहाँ पे देखो होता है क्या, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो एनिमीज के पास एडवांटेज रहता है, अगर वो बंदा बाहर आता तो मेरे पास। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ग्रेनेड को कुक किया एंड कैंसिल किया, मतलब बंदे को बाहर बुलाना चाहता था। एंड यहाँ पे जैसे ही मैंने कुक करके कैंसिल किया और यहाँ पे एक दो बार वापस से ट्राई किया, बस एक बार बाहर आया एंड यहाँ पे देखो अच्छा खासा एडवांटेज उठाया। मैं पहले से ही तैयार था कि भाई एक बार वो बाहर आ जाए। ये वाली ट्रिक आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, इवन जोनाथन गेमिंग भी यूज करता भाई ये वाली ट्रिक। तो एक बार यूज करके मुझे कमेंट में बताना और इसके लिए तो एक लाइक बनता है, तो कर दो यार। यहाँ पे तो मेरे और मेरे टीममेट के साथ गलती सिचुएशन हो गई, मैं यहाँ पे फ्यूल भर रहा था तभी मेरे टीममेट को किसी ने उतार दिया। लेकिन यहाँ पे देखो एक टीममेट को तो मैंने फटका मार दिया, लेकिन सेकंड वाला यहाँ पे मेरे पास मिनी थी, क्लोज रेंज में यहाँ पे देखो डर लगता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि जैसे ही बंदा आएगा मैं यहाँ पे जंप शॉट मारूंगा जिससे एक दो हेड लग जाए। अब मैंने ये जस्ट सोचा था एंड यहाँ पे देखना एक दो हेड लग गई तो वो जल्दी मर गया, वरना तो वो मेरे को निपटा देता। साथ ही साथ अब मैंने अपने टीममेट को बोला कि सामने वाले घर के अंदर पूरी पूरी एक स्क्वाड है, तो उसने बोला कि भाई ऐसे ही चले जाते। तो लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते, तो मैंने क्या किया यहाँ पे स्नो ब्लास्टर यूज करके गन को हाथ में लिया, स्नो यहाँ पे स्नोबोर्ड को यूज करके आगे की तरफ जाके इस तरीके से टॉप पे आ गया। और जो भी एनिमीज यहाँ पे बैठा है भाई इसको प्रॉपर कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ से आया और कहाँ से मार के चला भी गया। भाई ये वाली ट्रिक यूज करके मेरा टीममेट बोलता है कि भाई क्या ही खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक यूज कर रहा है तू, और मैंने इस तरीके से बंदे को मार दिया, इसको पता भी नहीं चला कि भाई मैं कब आ गया। लेकिन अगर आप ये ट्रिक यूज करो ना घरों के ऊपर तो दो तीन स्मोक कर लेना जिससे आपकी पोजिशन पता नहीं चले कि कहाँ से आ रहे हो कहाँ से नहीं। तो ये वाली ट्रिक कैसे लगी एक बार कमेंट में बताना, और अगर आपने यूज भी किया ना कभी तो भी कमेंट में बता दे। अगर कभी भी पोचंकी में लैंडिंग करते हो तो भाई ये वाली ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। जैसा कि मैं मैप में दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पोचंकी के अंदर हूँ। कभी कभी क्या होता है जैसे ही अपन जाते हैं ना तो इस तरीके से एनिमी सामने से टीपी भी लेता है और बाहर निकल जाता है। भाई बहुत डर लगता है क्योंकि हार्ट अटैक वाली सिचुएशन रहती है यहाँ पे। आप देखो इन बंदों को मारने के लिए आपको क्या करना है, घर के पास चिपक के रहते ना बंदे तो इनको बाहर जाने के मारने की ट्राई नहीं करती है। देखो जस्ट टीपी भी लेके बैठा तो ये छोटो सा गड्ढा दिखता ना आपको, छोटो सा यहाँ पे दिखाया मैंने, इसके नीचे से मारने की ट्राई करो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इस तरीके से किया और इस बंदे को मैंने इजी पीजी किल कर दिया, वो भी इस तरीके से। ये वाली ट्रिक ज्यादा यूज तो नहीं है लेकिन कभी कभी यूज कर सकते। इस चीज के लिए तो कमेंट भर भर के आती है कि भाई ये शॉट लगते कैसे है, रनिंग शॉट आखिर लगते कैसे एक बार बता दो। तो होता क्या है कि रनिंग शॉट मारने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे तो आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है लेकिन थोड़ा सा सीख लेते हो ना तो आपको पता भी चल जाता है एनिमी जहाँ पे है, और अगर आप उसके ऊपर ही मारते हो ना तो शॉट नहीं लगता है। एनिमीज अगर आगे जा रहा है और आप पीछे मार रहे हो तो शॉट नहीं लगता है। शॉट कैसे लगता है वो बताता हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो मान लो अगर राइट में बंदा भाग रहा है तो उसके पीछे मारने की ट्राई करते हो तो नहीं लगे, या उसकी बॉडी पे मारोगे तो भी नहीं लगता। हमेशा उससे थोड़ा सा आगे मारने की ट्राई करो। जैसा कि यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे आगे मारता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा और आगे मारता हूँ तो लगती नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे राइट में बंदा भाग रहा है ये बिल्कुल रॉन्ग चीज है। हमेशा एनिमीज को अगर रनिंग शॉट देना है, मान लो एनिमीज राइट में भाग रहा है ना तो उससे थोड़ा सा आगे मारो, मतलब राइट में भाग रहा है तो राइट में थोड़ा सा एम लेके उससे आगे मारो, लगेगा भाई शॉट।
देखो यार, यहाँ पे मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, मेरी गलती नहीं है। एनिमी यहाँ पे पूरी पूरी यहाँ पे दो बंदे ऊपर की तरफ कैंपिंग करके बैठे थे। मेरे पास कोई भी मतलब यहाँ पे और वे नहीं था कि मैं अंदर से मारूँ या कोई अलग से, तो रो पे भाई पूरा का पूरा टॉप पे यहाँ पे कैंपिंग करके बैठे थे। मैंने भाई मारने की भी ट्राई की लेकिन वो बंदे टच से मस नहीं हो रहे थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मतलब टॉप रहता है या रूप रहता है उसके नीचे वाले फ्लोर में आना है। और ये कोई ट्रिक नहीं है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ग्लिच है। तो यहाँ पे आना है और इस तरीके से यूज़ करके एंड आगे जाओ। इन दोनों उस बंदों के साथ भाई मोहे मोहे हो गया, ये रिपोर्ट कर देंगे। अगर कोई हैकर चीटर रहता तो भाई मार देना, मतलब कोई जेन्युइन प्लेयर को मत मानना, ये बिल्कुल राइट चीज़ है जो कि यूज कर सकते हो आप अपने। देखो कोई भी अपार्टमेंट रहता है उसके यहाँ पे टॉप के नीचे वाला फ्लोर रहता है, वहाँ पे अगर एनिमीज कैंपिंग करके बैठे रहते हो तो उनको कैसे मारना होता है। देखो हमेशा पहले तो आपको रूप पे आ जाना है एंड यहाँ से इस तरीके से जंप मार के इस तरीके से जाना है एंड खिड़की से थोड़ा सा क्राउच करके एंड यहाँ से अंदर की तरफ एंड इस बंदे को देखो। भाई इसको पता ही नहीं चला कि मैं कब हार के मार दिया। अब देखो बहुत सारे यूट्यूबर ने ये वाली ट्रिक यूज़ करके बहुत सारी स्क्वाडों को मारा है, इवन आपने भी कभी ना कभी मारा ही होगा। अगर किसी भी बंदे को आपने इस तरह ट्रिक यूज़ करके एनिमीज को मारा है ना, तो कमेंट में एक बार बता सकते हो आप। स्नोई विलेज इस मोड का सबसे खतरनाक हो ड्रो, भाई भर भर के बंदे आते हैं यहाँ पे फाइट करना है। अगर मान लो यहाँ पे देखो लाइफ प्रूफ, देखो एक बंदा है, ये कोई रूम नहीं है, एनिमी जो को मेरे को ऊपर की तरफ जाने ही नहीं दे रहा। अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ या सीढ़ियों से, भाई मेरे को यहाँ पे जाने ही नहीं दे रहा था, तो हमेशा ट्रेल का यूज़ करो। अब देखो मैं यहाँ पे ट्रेल का यूज़ करता हूँ एंड जो लेफ्ट वाले रहते हैं ना, जो राइट वाले ट्रेल रहते हैं उस पर नहीं होता ये क्रिच। यहाँ पे आपको ट्रिक करने के लिए राइट वाले मतलब लेफ्ट वाले ट्रेल पे आना है, ना कि राइट वाली पे, लेफ्ट वाली पे आना है एंड यहाँ से जंप मार देना एंड जो भी एनिमीज यहाँ पे रहता देखना है। अभी भी ये बंदा मेरे को नीचे ही ढूंढ रहा था, तो इस वाली चीज के लिए सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दो एंड लाइक वाले बटन को। गेम में सबसे पैनिक सिचुएशन होती है यहाँ पे क्लोज रेंज, लेकिन आप इन क्लोज रेंज में बात नहीं करेंगे। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं यहाँ पे वीडियो ला दूंगा। लेकिन अपन बात करते हैं जो एंड वाला सर्कल रहता है ना, जिसमें बंदे दिखते नहीं है, यहाँ पे सांप बन के रहते हैं, तो हमेशा क्या करो, हाई एडवांटेज उठाओ। देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्नो ब्लास्टर एंड स्नोबोर्ड को यूज़ करके ऊपर की तरफ आया एंड यहाँ पे देखना इस बंदे को भागा था ना, इस बंदे को मैं दो तीन हिट भी करता हूँ, शॉट भी कर देता हूँ, जिससे पैनिक होकर भाग निकला। लेकिन यहाँ पे बात नहीं आती, अब देखना यहाँ पे मेरे को एडवांटेज क्या मिलता है। ये देखो भाई, ये सांप दूर से आ गया, घास यहाँ पे दिखती नहीं, स्पॉट नहीं होती है और बंदों को, लेकिन आप देखे स्पॉट कर सकते हो, बहुत दूर दूर के बंदों को स्पॉट कर सकते हो एंड मार सकते हो अब इस बंदे को। तो यार ये वाली ट्रिक कैसे लगी बता। ये एक लाइव गेम प्ले जिसमें ये वाली ट्रिक बहुत काम की है। अगर आपकी मेरी सिचुएशन बन जाती है ना, जैसा कि मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे पानी के साइड लास्ट वाला सर्कल बनता है, तो हमेशा एक बग्गी का यूज किया करो। जिससे होता क्या मैं बताता हूँ, जो बग्गी रहती है ना, इसको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे पानी के थोड़ा सा पास में ला के इस तरीके से आगे आगे जाना है एंड यहाँ पे छोड़ देना है। एंड यहाँ पे देखो अगर आगे रहोगे तो लंग डैमेज होगा, मतलब आपको डैमेज होगा, लेकिन पीछे चले जाना पीछे वाली सीट पे एंड यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। और जो भी एनिमी जाता है भाई, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक ये यूज़ करते बंदे, आप भी किया करो। अगर आपको यहाँ पे पहले से पता थी तो कमेंट में बताना, यहाँ पे देखना ये बंदे को पता भी नहीं चला कि मैंने इसको इजी पीजी कब मार दिया। और ये था इस गेम का लास्ट वाला बंदा जिसको मार के मैंने इजी पीजी चिकन डिनर निकाल लिया। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और चाहिए, इसके पार्ट चाहिए, तो कमेंट में जरूर से बता देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो अप्रिशिएट करने के लिए मेरे हार्डवर्क को। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।